खुदने लगी है असद की कब्र। जैसा चाहता था अतीक, अब वैसा ही होगा। अतीक अहमद चाहता था कि उसके लखते जिगर को प्रयागराज में ही दफनाया जाए, तो अब ऐसा ही होगा। प्रयागराज के कसारी मसारी इलाके के कब्रिस्तान में असद की कब्र खोद दी गई है, यानी अब यहीं दफनाया जाएगा असद। तो अतीक की एक ख्वाहिश तो पूरी होगी, लेकिन क्या दूसरी भी पूरी हो पाएगी? दरअसल अतीक अपने बेटे को आखिरी बार देखना चाहता था, उसे अपने हाथों से दफनाना चाहता था, लेकिन अब ये उसकी हसरत पूरी नहीं हो पाएगी। कोर्ट ने अतीक को असद के अंतिम संस्कार में शामिल होने की इजाजत नहीं दी है। वहीं आज कोर्ट की छुट्टी होने की वजह से अब अतीक दोबारा अपील भी नहीं कर पाएगा। हालांकि वो जिला प्रशासन से पैरोल के लिए अपील कर सकता है, लेकिन जिस तरह के हालात हैं, ऐसे में उसे इजाजत मिलना मुश्किल है। जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक कोर्ट से अतीक की अर्जी खारिज होने के बाद अब पुलिस असद के शव को अतीक के रिश्तेदारों को सौंपेगी। असद का शव लेने उसके नाना हारून और मौसा डॉक्टर उस्मान झांसी जाएंगे। वहीं देर रात असद और मोहम्मद गुलाम का पोस्टमार्टम हुआ। हालांकि असद और शूटर गुलाम का शव दोपहर बाद ही मेडिकल कॉलेज भेज दिया गया था, लेकिन कागजी कार्रवाई पूरी ना होने से पोस्टमार्टम नहीं शुरू हो सका था। पहले प्रशासन को जानकारी मिली कि असद के परिजन उसके शव को लेने आ रहे हैं, लेकिन देर रात तक वे झांसी नहीं पहुंच सके, जिसके बाद प्रशासन ने देर रात मेडिकल कॉलेज के 3 डॉक्टर्स का पैनल बनाया। असद और मोहम्मद गुलाम के शवों का पोस्टमार्टम किया गया, इसकी वीडियोग्राफी भी करवाई गई। वहीं असद का आज अंतिम संस्कार किया जाएगा, जिसकी तैयारियां शुरू हो गई हैं। हालांकि इस रिपोर्ट को तैयार करते वक्त तक कोई भी झांसी नहीं पहुंचा असद के शव को लेने के लिए। उसकी डेड बॉडी अभी भी पोस्टमार्टम हाउस में ही है। देर रात्रि अतीक अहमद के बेटे असद और गुलाम का पोस्टमार्टम करा दिया गया है। झांसी पोस्टमार्टम के बाहर सुरक्षा की दृष्टि से पुलिस बल तैनात किया गया। अब देखिएगा, यहाँ पर पुलिस बल को तैनात किया गया है, जो हर गतिविधि पर नजर रखे हुए है। साथ ही यहाँ पर बाहर पोस्टमार्टम कराने होने के बाद जो है, पोस्टमार्टम घर के बाहर ताला लगा दिया गया है, जिससे कोई अंदर और अंदर न जा सके। आपको बता दें कि इसके इंतजार किया जा रहा है कि उनके जो असद के जो रिश्तेदार हैं, नाना हैं, मामा हैं, जैसा कि बताया जा रहा है कि नाना और मामा यहां पर आएंगे, वो अब शव को अपनी सुपुर्दगी में लेंगे, उनका इंतजार किया जा रहा है। लगभग 9:30 बज रहे हैं, लेकिन अभी तक उनका वो अभी आए नहीं है। इंतजार किया जा रहा है कि वो यहां कब आएं और शव को अपनी सुपुर्दगी में लें। आपको बता दें कि बेटे असद के एनकाउंटर की खबर मिलते ही अतीक रो पड़ा था। वो खुद को असद की मौत का जिम्मेदार बताने लगा था। उसने अपने बेटे को आखिरी बार देखने की बात कही थी। वो असद के जनाजे में शामिल होना चाहता था। अतीक ने असद को प्रयागराज में ही दफनाने की अपील की थी। अतीक के साथ उसका भाई अशरफ भी अपने भतीजे के जनाजे में शामिल होना चाहता था, लेकिन अब कानूनी पेंच की वजह से शायद ये संभव नहीं हो पाएगा। आपको बता दें कि असद अतीक का 3rd नंबर का बेटा था और उसने ही उमेश पाल हत्याकांड मामले में पूरे प्लान को जमीन पर उतारा। अपने साथी शूटर्स के साथ उसने ही उमेश पाल पर 24 फरवरी को ताबड़तोड़ फायरिंग कर मौत के घाट उतार दिया था। तब से असद फरार था और कल झांसी में परीक्षा डैम के पास उसका एनकाउंटर हुआ। एसटीएफ की टीम ने उसे ढेर कर दिया। उसके और मोहम्मद गुलाम के पास से 2 विदेशी हथियार भी मिले थे।